Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing topics over the problems of primary education, this time I am going to discuss a very important topic, wastage and stagnation in primary education. Hindi mein apavyay evam avarodhan, yani ki prathamik shiksha mein apavyay evam avarodhan ki samasya. So the lecture will be in bilingual mode and it will be useful to you all. So let's start. First of all, wastage. हम सभी जानते हैं waste मतलब बर्बाद होना, खराब होना. तो शिक्षा में wastage क्या है? Generally, specifically, primary education में wastage क्या है? इसको शुद्ध हिंदी की अपव्यय है. अपव्यय एवं अवरोधन पूछा जाता है. बहुत पूछते हैं. Write short notes on wastage and stagnation. और ये जरूर पूछते हैं जो अभी आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहली बार किसने wastage पे बात की थी. तो एज फार एज बैक एज 1929 मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो है ना, द ऑक्सिलियरी कमेटी पॉपुलरली नोन एज हॉटॉक कमेटी रिमार्क्ड थ्रू आउट द होल एजुकेशनल सिस्टम देयर इज वेस्ट एंड इनइफेक्टिव. यानी कि लगभग 100 साल पहले हार्टॉक कमेटी लिखती है कि अगर हम अपने पूरे शिक्षा तंत्र को देखें, शिक्षा निकाय को देखें, तो यहाँ वेस्ट हो रहा है और इन मतलब प्रभावी नहीं है, अप्रभाविकता है, वेस्टेज है. This remark holds good even today, है ना? ये remark आज भी हम सही मान सकते हैं कि हमारा पूरा शैक्षिक निकाय जो है उसमें wastage और अप्रभाविकता की भरमार है. Of 100 pupils enrolled in our schools in grade 1, as many as 65.4 drop out by the end of grade 8. कह रहे हैं कि लगभग 100 बच्चे अगर क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, ग्रेड 1 में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें से लगभग 65.4 कक्षा 8 तक आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं. तो वेस्टेज का कंसेप्ट क्या हुआ? वेस्टेज वाज डिफाइंड बाय द हार्टॉक कमेटी. क्योंकि हार्टॉक कमेटी ने सबसे पहले वेस्टेज स्टैग्नेशन की बात की, तो वेस्टेज का को डिफाइन भी हार्टॉक कमेटी करती है. कैसे करती है? द प्री मेच्योर विदड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल्स एट एनी स्टेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी क्लास. मतलब कि प्री मेच्योर विदड्रॉल यानी कि मेच्योर होने से पहले ही विदड्रॉल हो जा रहा है, बच्चा निकल जा रहा है स्कूल से, किसी भी स्टेज पे निकल सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी क्लास. Let us try to understand this definition in the modern Indian context. Attainment of permanent literacy is considered to be the main objective of primary education. भाई primary education का मुख्य उद्देश्य क्या है? यही आपको literate बनाया जा सके, है ना? तो अगर आप बीच में कहीं भी शिक्षा छोड़ देंगे, इसका मतलब आप उसी lot में enter कर जाएंगे जो कि illiterate है. और हमको total literacy campaign हम चलाते हैं, हम क्या क्या बातें करते हैं कि हमको पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है. Any child who drops out or is withdrawn from school before spending sufficient time, say 4 to 5 years, constitutes a case of wastage. तो वो कोई भी बच्चा जो कम से कम 4 से 5 साल की पढ़ाई भी नहीं कर रहा है primary classes की अपनी, तो वो फिर से जा रहा है किसमें? वो wastage हो रहा है और वो फिर से illiterate के उसमें lot में चला जाएगा. There is also another view which is based upon the concept of incremental gains in learning outcomes. वो कह रहे हैं कि एक और पक्ष है जिसको हम जान सकते हैं, इस तरह से जान सकते हैं कि learning outcome में incremental gains, यानी कि कुछ ना कुछ वो पाएगा अगर क्लास में रहेगा तो. It is believed that when a child attends a school, he gains incrementally from the attendance. कुछ नहीं तो सिर्फ अटेंड करने से ही वो कुछ ना कुछ पा लेता है, उसका कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम उसको मिलता है. सो द ईयर्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. इसलिए ये जो ईयर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूलिंग के ईयर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए. मतलब वेस्टेज क्या कि अगर उसने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग करने से पहले वो विदड्रॉन हो गया, विदड्रॉल कर लिया उसने स्कूल से, ड्रॉप आउट हो गया, तो ये वेस्टेज है शिक्षा के टर्म में. ओके. The constitutional provision is that a child should at least attend 7 to 8 years of schooling for attaining universal free and compulsory education, is to avoid the lapse into illiteracy. ये जो illiteracy का lapse चलता रहता है, उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि हर बच्चा, ये constitutional provision भी आ गया है, आप जानते हैं RTE Act 2009 जो कि 2010 से लागू है आपके देश में, कि हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के की 14 वर्ष तक के बच्चे को आपको universal free and compulsory education देनी है. तो अगर वो 7 से 8 साल की स्कूलिंग नहीं कर रहा है तो वो फिर से इलिटरेट हो जाएगा, मतलब वो लिटरेट नहीं हो पाएगा. इट वुड इम्प्लाई दैट एनी चाइल्ड हु ड्रॉप्स आउट और इज विथड्रॉन बिफोर रीचिंग ग्रेड 7 टू 8 वुड कॉन्स्टिट्यूट ए केस ऑफ वेस्टेज.
तो अगर बच्चे ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया और 8th तक की पढ़ाई उसने नहीं की तो वो फिर से वेस्टेज है शिक्षा के लिए। मतलब कम से कम वो 8th तक की पढ़ाई कर ले तो वो प्राइमरी स्कूलिंग अगर कर लेगा तो इन एलिमेंट्री एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेगा तो वो कम से कम लिटरेट हो जाएगा और कुछ वो कर सकता है ना। इट इज प्रिज्यूम दैट ए चाइल्ड हु गेन्स फ्रॉम दीज 7 or 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर एजुकेशन विल बी बेटर प्लेस इन एक्यूमुलेटिंग लर्निंग आउटकम्स थ्रू इंक्रीमेंटल गेन्स ऑफ each successive years of education, he or she should not be considered a wastage if he or she fulfills this condition. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर 7 से 8 साल की पढ़ाई उसने कर ली है, regular education उसने ले ली है, तो उसको कुछ ना कुछ incremental gain होगा, हर साल कुछ ना कुछ वो सीखेगा, उसके पास कुछ ना कुछ learning outcome होगा, और आप उसको wastage की श्रेणी में नहीं गिनेंगे। ठीक, तो ये wastage का concept है, अपव्यय का। अवरोधन का क्या कंसेप्ट है? स्टैग्नेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द टर्म स्टैग्नेशन इज यूज्ड टू डिनोट ए सिचुएशन वेयर ए चाइल्ड स्पेंड्स मोर नंबर ऑफ इयर्स टू कंप्लीट ए गिवन कोर्स देन प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट। मान लीजिए कि बीए का कोर्स है, वैसे हम इसको प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 3 साल का, और आप उसको 5 साल में कंप्लीट करते हैं, तो ये स्टैग्नेशन है। मतलब आप स्टैग्नेट कर गए हैं अपनी जगह, रुक गए हैं, अवरुद्ध हो गए हैं, इसीलिए इसको अवरोधन कहते हैं। मतलब जितना प्रिस्क्राइब्ड समय है उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, उससे ज्यादा अगर आप समय ले रहे हैं, बच्चा उससे ज्यादा समय ले रहा है, तो वो स्टैग्नेशन की दशा है। स्टैग्नेशन हैज जनरली बीन मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फेलियर्स ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम द सेम कोहोर्ट ऑफ पीपल। मतलब कि वो क्लास एक साल में वो क्लास पास कर ले रही, आप 2-3 साल ले रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ फेलियर्स आप ले रहे हैं, जितनी बार आप असफल हो रहे हैं, वहीं से स्टैग्नेशन मेजर किया जाता है। कोहर्ट हेयर डिनोट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हु आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी फॉर ए गिवन क्लास। मतलब आपका जो ग्रुप है उसको कोहर्ट कह रहे हैं, जो आपका क्लास है। टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट लेट अस सपोज ए कोहर्ट ऑफ 100 चिल्ड्रेन एंटरिंग ग्रेड 1 ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। मतलब किसी साल में, किसी ग्रेड 1 में 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं। लेट अस फर्दर सपोज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द प्राइमरी कोर्स इज 5 ईयर्स। मान लीजिए कि प्राइमरी कोर्स का ड्यूरेशन 5 साल है। एज्यूमिंग दैट ईच चाइल्ड पासेज रेगुलरली, मान के चलते हैं कि हर साल सभी बच्चे पास हो जाते हैं, तो कोई भी बच्चे को 5 साल लगेंगे ना उस कोर्स को कंप्लीट करने में। बट एक्चुअली दिस माइट नॉट हैपन। लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ शिष्य, कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट हर साल फेल हो जाते हैं। केस ऑफ फेलियर्स इन दैट एज कोहोर्ट इंक्रीजेस देयर नंबर ऑफ इयर्स एंड दिस कॉजेस स्टैग्नेशन। अब तो खैर नो डिटेंशन पॉलिसी आ गई है, ये पुराना कंसेप्ट है, लेकिन जानना जरूरी है आपके लिए। इंडेक्स ऑफ स्टैग्नेशन कैन बी मेजर्ड बाय ए फॉर्मूला व्हिच इज एज फॉलोज। इंडेक्स ऑफ स्टैग्नेशन क्या है? 100 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टोटल ऑप्टिमम ईयर्स अपॉन टोटल ईयर्स एक्चुअली टेकन। मतलब कि 1 माइनस, मान लीजिए कि 5 साल का कोर्स है और आपने 7 साल लिए, तो 1 माइनस 5 अपॉन 7, उसको 100 से आप गुणा करेंगे तो इंडेक्स ऑफ स्टैग्नेशन आ जाएगा। मतलब कि ये कंसेप्ट अब यूज इसलिए यूज में नहीं है क्योंकि अब तो नो डिटेंशन पॉलिसी चल रही है, अब तो किसी बच्चे को फेल ही नहीं किया जाना है। लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट वेस्टेज और स्टैग्नेशन साथ साथ चलता है और आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कॉजेस क्या है वेस्टेज और स्टैग्नेशन के? मतलब क्यों बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है, ये बात हम खैर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों उसको 1 से ज्यादा साल लगते हैं उस क्लास को पूरा करने में? इसके 3 कारण हैं, 3 हेडिंग्स में इन्होंने बांटा है। सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज, एजुकेशनल कॉजेज और आपके मिसलेनियस कॉजेज। तो सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द फैमिली, जो फैमिली है वो पिछड़ी है आर्थिक रूप से। एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन डोमेस्टिक वर्क, बच्चे को आपने बहुत घरेलू कामों में लगा रखा है, व्यवसाय ही ऐसा है। एजुकेशनल स्टेटस फैमिली का अच्छा नहीं है, अर्ली मैरिज कर देते हैं आप बच्चे की। इनडिफरेंस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जो अभिभावक हैं उदासीन हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है बच्चे के। पेरेंटल ऑपोजिशन, बल्कि वो विरोध करते हैं कि क्या होगा पढ़ लिख कर। और एजुकेशनल कॉजेस क्या है? लैक ऑफ कंड्यूसिव कंडीशंस एट होम एंड स्कूल, घर में भी और विद्यालय में भी पढ़ने लायक दशा नहीं है। एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल सिस्टम एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, जिस समुदाय में आपका विद्यालय है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है एजुकेशनल सिस्टम और कम्युनिटी के बीच में। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम बेकार दशा है पढ़ाई लिखाई की, एकदम फर्नीचर अच्छा नहीं है, बैठने के लिए चीज नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। मिसलेनियस कॉजेस क्या हो सकता है? डिफिकल्ट नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन, जैसे पहाड़ों वगैरह में बहुत ही दशा खराब है, भौगोलिक दशा खराब है, प्राकृतिक आपदा आती रहती है, तो दिक्कत है, नहीं भेजा जाता बच्चे को पढ़ने के लिए। फिजिकल इलनेस है, कुछ बीमारी है बच्चे को, कमजोर है वो। हेट्रोजेनिटी इन द एज कॉम्पोजिशन ऑफ द पीपल्स, जनरली रूरल सेटअप में ये होता है, कोई बच्चा 3-4 साल का ही है, कोई बच्चा 7-8 साल का है, तो बहुत विषमता है क्लास में, इससे भी बच्चे का मतलब मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं लगता है क्लास में और वो ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के लिए इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल फैसिलिटीज। निश्चित रूप से हमको विद्यालयी दशाओं को सुधारना होगा, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज और अदर प्रोविजन देखने होंगे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग करना होगा, मरम्मत करानी होगी। मतलब कई बार ऐसा होता है प्राथमिक विद्यालय की छत गिर गई है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी, बुक्स एंड टीचिंग एड्स का इंतजाम करना होगा, टीचर परफॉर्मेंस में सुधार करना होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग एंड एक्टिव रोल इन करिकुलम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है ना, एक्सेस टू वेरीड लिटरेचर रिलेटेड टू पेडागॉजी। मतलब उनको बताइए कि नया नया क्या पेडागॉजी में आया है, उनको इन सर्विस ट्रेनिंग, मतलब सर्विस में है वो, इन सर्विस ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, टीचर जो है वो सर्विस में है और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, और प्री सर्विस ट्रेनिंग जैसे बीएड मतलब आने से पहले वो जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, प्री पहले इन सर्विस सेवारत। इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल टीचर्स, ये भी कहा गया था कि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जरूर आप एक फीमेल टीचर को रखेंगे, बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब वो माँ के चूंकि बहुत पास होते हैं तो फीमेल टीचर से सम मतलब जल्दी घुल मिल जाते हैं। एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग, कैसे शिक्षण में सुधार लाया जा सकता है, इसके लिए एक्शन रिसर्च की जा सकती है। और स्कूल मैनेजमेंट में क्या सुधार किया जा सकता है, लोकल नीड बेस्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल नीडेड बाय द स्कूल। बार बार कहा जाता है स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप, यानी देखिए विद्यालय आपका आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन समुदाय में आपके लोग हो सकते हैं जो बहुत अमीर हों, जिनके पास बहुत रिसोर्स हो, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। रेशनल डेवलपमेंट एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग इंस्ट्रक्शनल टाइम पर्टिकुलरली फॉर रिमेडियल क्लासेस फॉर लो अचीवर्स, जिनको कम आ रहा है, जिनका उपलब्धि स्तर कम है, आप उनके लिए रिमेडियल क्लासेस चलाइए, उनको ज्यादा समय दीजिए। मेंटेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल रिकॉर्ड्स, बार बार ये बात की जाती है पर कहीं नहीं होता है ये कि आप कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल रिकॉर्ड बनाइए, मतलब जब बच्चे ने एडमिशन लिया उससे लेके जैसे जैसे वो आपकी क्लास में सतत आगे बढ़ रहा है कि कितना उसमें सुधार हो रहा है, कि कमी आ रही है, कौन सा पक्ष उसका बेहतर हो रहा है, कौन से पक्ष में गड़बड़ी है, ये बहुत काम आता है आगे, लेकिन ये बनता नहीं है जनरली। मॉनिटरिंग लर्निंग अचीवमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सब लोग जान गए हैं कि CCE का कंसेप्ट आ गया है, अब है ना, हमको सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है बच्चे का। मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी, कहा गया था ना कि VEC बनाइए आप। देखिए एजुकेशनल प्लानिंग तो ब्रॉड स्टेज पे होती है, माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी हमको प्राइमरी एजुकेशन सुधारने के लिए, क्योंकि लोकल हमको नीड्स देखनी पड़ेंगी, लोकल हमको स्पेशलिटी देखनी पड़ेगी, तो ये सब विलेज एजुकेशन कमेटी कर सकती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ हेड टीचर बाई प्रोवाइडिंग एकेडमिक एंड मैनेजीरियल गाइडेंस, जो हेड टीचर है उसको भी आप एकेडमिक और मैनेजीरियल गाइडेंस प्रोवाइड कराइए ताकि वो बेहतर तरीके से अपना विद्यालय चला सके। क्लासरूम रिलेटेड स्ट्रेटजीज में क्या चेंज कर सकते हैं हम, लर्नर सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन, बार बार बात की जा रही है। रीडिंग अलाउड, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जोर जोर से पढ़ाते हैं है ना, जोर जोर से बोल के, ताकि उनका प्रोनंसिएशन बेहतर होता है, उनको पता चलता है कि वो गलत बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। डिक्टेशन, ये सब तो खैर चलता है, मिला दी जाती है। रिमीडियल टीचिंग, इनकरेजिंग टीम टीचिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, यूज टीचिंग एड्स, सब तो बहुत बात की जा रही है ना, TLM आपने सुना होगा। TLM क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कहा जाता है कि आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पढ़ाइए बच्चे को। इनकरेजिंग प्यूपल्स टू रीड इनरिचमेंट एंड रेफरेंस मटेरियल एंड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, ये है प्राइमरी लेवल पे, जरूरी नहीं लेकिन ठीक है, बढ़िया। ये है वेस्टेज और स्टैग्नेशन। वेस्टेज कहीं कहीं आप ड्रॉप आउट से उसको रिलेट कर सकते हैं कि क्योंकि बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है इसलिए वेस्टेज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना, हमारा शिक्षा तंत्र ने जो उद्देश्य तय करके रखा था कि इतने बच्चों को लिटरेट बनाएंगे वो वेस्ट हो जाता है, जो हम चाह रहे थे कि टोटल लिटरेसी हम प्राप्त कर लें वो वेस्ट हो जाता है। और स्टैग्नेशन क्या है कि जब अवरुद्ध हो जाता है बच्चे की प्रगति का मार्ग, जब वो एक क्लास को एक साल में अगर पार करना है पार नहीं कर पा रहा है तो वो स्टैग्नेशन कहते हैं ना कि आप स्टैग्नेट हो गए हैं क्या, मतलब रुक गए हैं क्या एक जगह, तो इसके लिए शब्द है अवरोध, अवरोधन माने भी रुकना ही होता है, तो अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या जो प्राथमिक शिक्षा में है, आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे बेहतर। ओके, छोटा टॉपिक था, अक्सर शॉर्ट नोट्स पूछते हैं इस पे, बट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज वेस्टेज एंड व्हाट इज स्टैग्नेशन। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।